दोस्तों आज हम सीखेंगे कि पतंग में नॉट, कन्ना या कन्नी कैसे बांधते हैं। कुछ भाषाओं में इसमें तंग भी कहते हैं, तो हम ये सीखेंगे तंग, कन्ना, कन्नी कैसे बांधते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कन्ना किस तरह से बांध रहे हैं, किस एंगल पे उसे रख रहे हैं, जब उसकी आप ऊपर में नॉट लगा रहे हैं, क्योंकि कन्ने पे ही डिपेंड करता है कि पतंग आपकी कैसी घूमेगी। हम में से कुछ लोग पतंग उतारते समय ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, पतंग इजीली घूमती नहीं है, जिससे उसे नीचे खींचना या ऊपर खींचना या उसे पटकने में हमें प्रॉब्लम होती है, जब तक दूसरी पतंग हमारी पतंग को काट जाती है एक्चुअली। तो उससे कैसे बचना है, अगर आपका कन्ना अच्छा बनेगा, अगर आप कन्ने में राइट एंगल पे उसे बांधेंगे, बीच का जो आपका आपकी गांठ लगती है राइट एंगल पे लगेगी, तो आप ये सारी प्रॉब्लम्स कभी भी फेस नहीं करेंगे और पतंग बहुत ही अच्छी उड़ेगी और घूमेगी भी, और नीचे ऊपर आप उसे आसानी से पटक पाएंगे और खींच पाएंगे। चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि हमें करना क्या है। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कन्ना बांधने के लिए अपने कितनी डोर की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली हम लोग सद्दी से कन्ना बांधते हैं, तो जैसे ये हमारी पतंग है, तो पतंग की ये जो कांट होती है, कांट आप इसको नाप लें, और जितनी बड़ी ये कांट है, इससे आप डबल डोरी या डबल सद्दी अलग कर लें। जैसे ये मैंने एक फेरा लिया, इसी तरह का हम एक और फेरा ले लेंगे, दो फेरे लेंगे लगभग। ये देखिए मैंने अब इसको डबल कर लिया, और एक बार हम इसको फिर से नाप लेते हैं, देखिए। और थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा रख लीजिए कवर अप के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। चलिए इस डोरी को अलग रख देते हैं। अब बात आती है छेद की, कि इसमें छेद कैसे करें कन्ना बांधने के लिए। तो इस साइड ऊपर की साइड में तो हमारा छेद करना बहुत आसान है, ये वाली जो हमारी है डंडी है, इसके एक इधर ऊपर में छेद करेंगे और एक इसके नीचे में छेद करेंगे। छेद करते समय हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपने पास में एक पेन या पेंसिल जरूर रखें, इससे अच्छे प्यारे गोल गोल छेद होंगे। आप हाथ से या और किसी चीज़ से करेंगे तो छेद अच्छे नहीं होंगे, पतंग फट भी सकती है। अब जो हमें नीचे में छेद करना है वो कैसे करना है, उसके लिए आप क्या करें, आपका जितना भी बड़ा हाथ हो, नीचे वाली जो हमारी यहाँ पे डंडी खत्म हो रही है वहाँ से आप नापें, और अपने एक हाथ के बराबर, एक हाथ के बराबर डिस्टेंस छोड़ दें नीचे में, और यहाँ पे आप हल्का सा चाहें तो मार्क लगा लें इसके बाद इन दोनों जगहों पे। और यहाँ पे हम करेंगे नीचे का छेद। इस बात का आप बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत सारे लोग ये जो है नीचे का होल गलत लोकेशन पे करते हैं, कुछ लोग इसको ज़्यादा नीचे कर देते हैं, कुछ लोग इसको ऊपर में कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ऊपर से डिस्टेंस मेजर करते हैं लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो छेद कितना ज़्यादा ऊपर में हो जाएगा और कन्ने बिल्कुल ख़राब बनेंगे, आपकी पतंग बहुत ही ख़राब होगी। तो ये सही तरीका है कि आपको जो साइज़ लेना है कि नीचे वाला छेद हम कहाँ पे करें कन्ने बांधने के लिए, हमेशा नीचे से एक हाथ की डिस्टेंस छोड़ें और वहां पे जाके होल करें। चलिए अब इसमें धागा डालते हैं। ये लिया हमने धागा, धागे को नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर लें, मतलब इसको डबल कर लें, और हम इसको डालेंगे दोनों साइड से, इधर से डालें और इधर से निकाल लेंगे। आप चाहें तो पलटा भी सकते हैं, पलटा के भी कर सकते हैं। और ये बांधते समय एक बात का ध्यान रखें, इसमें बहुत ज़्यादा गांठ ना लगाएं, बस दो ही गांठ लगाएं। ज़्यादा गांठ लगाने से क्या होता है, फिर हमारे कन्ने टूट जाते हैं। आप इसमें डायरेक्ट ऐसे दो गांठ लगा सकते हैं, या आप एक और काम कर सकते हैं, आप और भी मजबूत करना चाहते हैं तो पहले इसे एक बार निकालें, एक गांठ लगाएं और इस धागे को दोबारा कन्ने में से निकालें दोनों ओर से, और फिर एक और गांठ लगाएं, तो उससे क्या होगा डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो मजबूती और भी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। अब दूसरी ओर भी ऐसा करें, धागों को थोड़ा फोल्ड कर लें नीचे से,
और इसे दोनों साइड से निकालें ऐसे करके। फिर गांठ लगाएं। यहाँ भी यही बात है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मजबूती देना चाहते हैं तो पहले एक गांठ ऐसे लगाएं और इसे फिर दोबारा धागे को निकाल लें और तब बांध दें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं तो वैसे ही हमने धागे को डबल किया हुआ है नीचे से जिससे ये आसानी से टूटे ना। तो बस आपको दो गांठ मारने की ज़रूरत है यहाँ पे और चकाचक हमारा कन्ना बन के तैयार है। अब बात आती है कि इसको बीच में हम कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे इस तरह से बैलेंस करेंगे जिससे हमारी पतंग अच्छे से भाग जाए और उड़ने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से हमारी पतंग घूमे, पटकने में हमें दिक्कत ना हो और साथ ही साथ हमें इसे खींचने में भी दिक्कत ना हो। तो पहले पहले तो ऐसे जस्ट पकड़ें, इसको बैलेंस बनाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका बिल्कुल मिड पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें। मिड पॉइंट हमें नहीं ढूंढना है, हमें बीच का सिरा ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हमेशा ध्यान रखें जब आप इस कन्ने को बांध रहे हैं तो इस साइड की डोर छोटी रखनी है और इधर की हमें थोड़ी बड़ी रखनी है। बेसिकली जब मैंने इसको ऐसे पकड़ा है तो आप देख सकते हैं दोनों ओर से लगभग लगभग 45 डिग्री का एंगल या त्रिभुज टाइप का बन रहा है। तो हमें 45 डिग्री नहीं रखना है, इधर का हमें लगभग 60 डिग्री रखना है इधर का, और उधर में हमारा 45 से थोड़ा कम हो जाएगा। आप सह सकते हैं 35 वगैरह बनेगा। तो अब इसको आप ऐसे ऐसे पकड़ा, ठीक है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कहा हमें मिड पॉइंट से नहीं बनाना है, आगे का हमें ढीला रखना है और पीछे का बड़ा रखना। आप ये देखिए ये डोर क्या है, हमारी काम है इधर का और इधर की हमारी लेंथ ज़्यादा है। तो मैंने नॉट मिड पॉइंट पे नहीं लगाई है, ये एंगल और इस एंगल में डिफरेंस है। जब आप ऐसे कन्ना बांधेंगे पतंग बहुत ही खूबसूरती से उड़ेगी, जब आप चाहेंगे इसे टर्न दे पाएंगे, जब आप चाहेंगे इसे पटक पाएंगे और इसको खींचने में भी आसानी होगी। तो ये है हमारा कन्ना बनाने बांधने का देसी तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ, जब आप पतंग उड़ाने जा रहे हो तो मैंने देखा है कुछ लोग क्या है ना पतंग को ऐसे ही लेते हैं उड़ाने लग जाते हैं जिससे उनकी पतंग डिप करने लगती है, उड़ती है मतलब नीचे की ओर गिरने लगती है। उसका रीज़न ये होता है कि लोग पतंग उड़ाने से पहले इसको, ये जो हमारी काँट है इसको थोड़ा सा मोड़ते नहीं है। आप क्या करें, पतंग उड़ाने से पहले काट को थोड़ा सा ऐसे मोड़ लें, थोड़ी देर रखें, चाहे तो सिर पे रख के भी कर सकते हैं, ध्यान रखें इसे तोड़ ना दें, इतना ज़्यादा ना प्रेस करें, थोड़ा ऐसे मोड़ लें। तो उससे क्या होगा, इसमें थोड़ा यहाँ पे घुमाव सा आ जाएगा, थोड़ी मतलब गप सी जाएगी, उससे आपकी पतंग हवा में जल्दी डिप नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से उड़ेगी। तो दोस्तों ये है हमारा आज का वीडियो कन्ने बांधने का, और कैसे पतंग को डिप होने से भी आप बचा सकते हैं हवा में। इसके अलावा आपको अगर मंझों से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो, पतंग से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप जानना चाहते हो कौन सा चाइनीज़ मंझा अच्छा है या कौन सा इंडियन मंझा अच्छा है जो चाइनीज़ मंझे को काट सकता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लाइट काइट फ्लाइंग करके, जिसमें मैंने सारे रिलेटेड वीडियो डाले हैं। आप इसको ज़रूर देखें, आप लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और आपको पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर उसे आगे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। बाय।